और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके कल्याण बनर्जी, सर आई एम अपोजिंग द लेजिस्लेशन। हाँ, लेजिस्लेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक दिस अमेंडमेंट व्हिच टचेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड कमिंग विद इन द सेवेंथ शेड्यूल। प्रॉपर्टी इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी डिसाइडेड बाय द ओनली द सिविल कोर्ट, बट नो एनी अथॉरिटी अंडर व्हिच लॉ दिस power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This, sir, just, this bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. Yes, this cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill cannot. हंगामा हुआ, वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा हुआ है। और आप ये देखिए कि लोकसभा में जमकर हंगामे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर, अब चूंकि पहले ही ये स्पष्ट था कि जो माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हंगामा कर सकता है, इस बिल का विरोध कर सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज बैठिए, बैठिए नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, बैठिए देंगे, एक मिनट बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में, एक मिनट प्लीज। रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संचित वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा, परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा। परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता, लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी से परे हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरे को, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, निश्चित रूप से देंगे, ठीक है। मियां अल्ताफ अहमद मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को, सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आजाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आजाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं,
मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मजबूत रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत कि आप आज जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इसका विरोध भी हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यसूची के एजेंडे के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव और साथ ही विपक्षी के जो अन्य सांसद है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट, अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट,